नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे आज के इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। लालू प्रसाद यादव, वो चेहरा जो बिहार में हर राजनीतिक गलियारे में सुनने को मिल जाता है, ये वो चेहरा है जिसने सबसे बड़ा घोटाला जो है वो बिहार में किया था, जिसके बाद सजा भी काट चुके हैं, लेकिन अभी भी उसकी तलवार जो है वो उनके ऊपर लटकती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव और यहाँ पर रावड़ी यादव के ऊपर जो है ये तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद जो है तेजस्वी यादव के खेमे में हड़कंप मच गया। तेजस्वी यादव हाल ही में उप मुख्यमंत्री की उपाधि लेकर के बिहार की जनता को जो है संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में उनके परिवार के ऊपर से ये जांच का जो जत्था है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और यही वजह है कि एक के बाद एक हो रहे उनके ऊपर कार्रवाई से अब तेजस्वी यादव की जो कुर्सी है उसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल क्या है पूरा मामला, देखिए हम आपको बताते हैं। दरअसल यहां पर अगर हम बात कर ले तो लालू प्रसाद यादव जो है वो जिस तरीके से कोशिश कर रहे थे कि अपने इस चुनावी माहौल के बीच में जो है अपने बेटे का साथ दे सके, लेकिन उस बीच में उनके ऊपर जो है कार्रवाई की तलवार लटक रही है। दरअसल लालू यादव, राबड़ी देवी और अन्य के खिलाफ रेलवे भर्ती घोटाले में CBI की ओर से चार्जशीट दायर की गई है। ये मामला IRCTC घोटाले से अलग है। हालांकि IRCTC घोटाले की जाँच के क्रम में इस घोटाले का पता CBI को चला। अब इसमें लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो है और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जो है आपको बता दें, अगर ये मुश्किल इसी तरीके से बढ़ती रही तो जहां तेजस्वी यादव CM कुर्सी तक के सपने संजोए बैठे हैं, उनसे उप मुख्यमंत्री का ये जो दर्जा है वो भी छीन लिया जा सकता है। बहरहाल आप लोग को क्या लगता है, तेजस्वी यादव जो है इस पूरे मामले को कैसे संभालेंगे, अपने पिता के ऊपर लग रहे आरोपों को कैसे दबाने का काम करेंगे, या उनको सुलझाने का काम करेंगे, या फिर यूं ही अपने सामने सब कुछ देखते रहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 News।